चुनाव आयोग के नियम और कानून की धज्जियां हर चुनाव में उड़ती हैं। राजनीतिक दलों ने कभी भी अपने खर्च का सही और सटीक ब्यौरा शायद ही कभी चुनाव आयोग को दिया हो, यानी सियासी पार्टियों के चंदे का फंडा पूरे तरीके से अभी भी नहीं समझा जा सका है। देश की जनता के सामने ये चंदे के संबंध में राजनीतिक दलों पे जो उंगलियां उठी रही है, क्या देश की जनता की इच्छा आकांक्षा के अनुकूल हम मिलकर के कोई रास्ता खोज सकते हैं कि नहीं खोज सकते? दरअसल सियासी पार्टियों के चंदे को लेकर आयोग ने केंद्र सरकार को तीन अहम सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव, राजनीतिक दलों के 2,000 रुपए से ज्यादा गुप्त चंदा लेने पर रोक लगाने का है। दूसरा ये कि चुनाव नहीं लड़ने वाले राजनीतिक दलों को आयकर से छूट नहीं मिले, सिर्फ लोकसभा या विधानसभा चुनाव में सीटें जीतने वाले दलों को ही ये छूट मिले। और तीसरा सुझाव ये कि राजनीतिक दल कूपन के जरिए चंदा देने वालों का पूरा ब्यौरा रखे। दरअसल राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स के कानून 13A के तहत छूट मिली है कि वो 20,000 से कम की रकम का हिसाब चाहें तो चुनाव आयोग को नहीं दे। सियासी पार्टियां इसी एक्ट का बेजा इस्तेमाल कर रही हैं और एक मुश्त चंदे की रकम 20,000 से कम लेकर हिसाब देने से बचती रही, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ML शर्मा ने चुनौती दी। PIL के मुताबिक सियासी पार्टियां इस एक्ट का गलत इस्तेमाल करती हैं, लिहाजा इसे खत्म किया जाए, साथ ही सियासी दलों को मिले चंदे की CBI जांच कराई जाए। सेक्शन 13A अंडर विच द पॉलिटिकल पार्टी हैज बीन प्रोटेक्टेड आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दिस इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेल्फ इंटरेस्ट इम्पोज बाय द पॉलिटिकल पार्टी फॉर देयर ओन बेनिफिट। दरअसल नोटबंदी से आम लोगों को हो रही परेशानी के बीच चर्चा थी कि राजनीतिक दलों के खातों में जमा हुए पुराने नोटों की जांच नहीं हो। विवाद बढ़ने पर रेवेन्यू सेक्रेटरी हंसमुख आढ़िया ने साफ किया था कि राजनीतिक दल पुराने नोटों में चंदा नहीं ले सकते, गड़बड़ी मिली तो उनसे भी पूछताछ होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता सड़क पर खड़ी चुपचाप, लिहाजा नेताओं का भी फर्ज बनता है कि वो अपने बही खाते का हिसाब जनता को दे दे और चुनावी वैतरणी में नोट की नैया बनाकर वोट हासिल करने से बचे, ताकि राजनीतिक पार्टियों के और राजनेताओं के प्रति जनता का विश्वास बना रहे। इसी सवाल पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। राजनीतिक दलों को पैसा कहां से मिलता है, कितना मिलता है और कहां खर्च होता है, कैसे राजनीतिक दल चंदे का सोर्स बताने से बच जाते हैं, ये तमाम वो सवाल है जो जनता जानना चाहती है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी सड़क पर अगर खामोशी के साथ खड़ा रह सकता है तो सियासी दलों के चंदे का फंडा समझने का हक भी उसे है। लेकिन देश के इतिहास में यह कभी नहीं हुआ कि तमाम राजनीतिक दल अपना पूरा हिसाब किताब चुनाव आयोग को सौंपे या जनता के सामने रखे, लेकिन शायद अब इसमें बदलाव होकर रहेगा और यही है इस वक्त की बिग स्टोरी बिग डिबेट, सियासी चंदे का दो हिसाब। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा पैनल है, जिसमें मेरे साथ इस मामले में PIL दाखिल करने वाले सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ML शर्मा है, मेरे साथ BJP के स्पोक्स पर्सन प्रेम शुक्ला है, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा है, मेरे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जोई सिंह है, मेरे साथ यहाँ पर CPI के लीडर आमिर हैदर जैदी साहब है, लेफ्ट की तरफ से अपनी बात रखेंगे मेजर जनरल रिटायर्ड अनिल वर्मा है, हेड ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के, और मेरे साथ MK वेनु है, फाउंडिंग एडिटर द वायर, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे भी हम इस बारे में बात करेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है, लेकिन सबसे पहले ML शर्मा, मैं आपके पास आऊंगा। ML शर्मा, आपने इस मामले में एक जनहित याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि आपकी जनहित याचिका किस बारे में है और आपने क्या मांग की है राजनीतिक पार्टियों के बारे में। देखिए, दो लाइन में मैं कहना चाहूंगा, इस देश का हर नागरिक साल के 12 महीने मेहनत करता है, पैसे कमाता है, लेकिन उसको उस पैसे के ऊपर टैक्स देना जरूरी है। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां जो कि मुफ्त में करप्शन की आड़ में ब्लैक मनी ले लेकर के अपना भंडार भरती हैं, उस पैसे से इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट और स्टेट के राज्यों में
सीटें पकड़ती हैं और पूरे पब्लिक की प्रॉपर्टी के ऊपर नियंत्रण रखती हैं, इंजॉय करती हैं, लेकिन टैक्स टैक्स नहीं देती। आखिर क्यों? अगर आम आदमी पार्टी टैक्स देता है मेहनत किए हुए पैसे पर, तो बिना मेहनत के जो इजी मनी ये लोग इकट्ठा करते हैं उसके ऊपर इनसे टैक्स क्यों नहीं लिया जाता? किस कानून के अंतर्गत नहीं लिया जाता? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टी नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आम नागरिक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है या एमएलए बन सकता है, और उसी की मेजोरिटी निश्चित करती है कि कौन देश को चलाएगा या राज्य को चलाएगा। साहब, एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। जब से ये बहस शुरू हुई है राजनीतिक पार्टियों को चंदे वाली, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने कहा हो कि हिसाब नहीं देना चाहिए। हर पार्टी ये कह रही है कि हाँ बिल्कुल हिसाब होना चाहिए। तो आपको लगता है कि आखिर जब सभी पार्टियां तैयार हैं तो क्यों नहीं आ रही है पब्लिक डोमेन में ये बात? क्योंकि राजनीतिक पार्टियां केवल भाषण देना जानती हैं, वो एक्चुअल काम करने को तैयार ही नहीं है। आप इनकम टैक्स खत्म कर दीजिए, आर्टिकल सेक्शन 13A खत्म कर दीजिए इनकम टैक्स से, इनकी सारी सारा हिसाब सामने आ जाएगा, तब इनको टैक्स देना पड़ेगा। अभी तो इनको 100% टैक्स माफ है, 20,000 से ऊपर आपको नाम बताना है, लेकिन अनलिमिटेड अमाउंट, चाहे कितना भी अमाउंट क्यों नहीं, आपको इनको टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्यों बताएंगे हिसाब आपको? आप में दम हो तो हिसाब लीजिए, हिसाब लेने के लिए आप कोर्ट जाएंगे, 10 साल तक केस लड़ते रहिए, तब तक आप मर जाएंगे, आपका बेटा भी नहीं ले पाएगा हिसाब। इनसे आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। इनसे लड़ने का एक ही तरीका है, 13A खत्म कर दीजिए। 20 जॉब की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर हमारा देश चलता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टियों को कोई अधिकार राइट नहीं बनता। ठीक है सर, आप रहिए मेरे साथ, तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि हम अपने दूसरे मेहमानों के पास जाएं, जो मैंने कहा था एमएल शर्मा से कि तमाम पार्टियां क्या कह रही हैं ये दिखा देते हैं जल्दी से, उसके बाद मैं अपने पैनलिस्ट के पास जाते हैं और दूसरे पैनलिस्ट के पास। एक झूठ 100 बार बोलने से झूठ सच नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी वही राजनीतिक दल तो है जिसका नारा था पैसा खुदा तो नहीं पर मां कसम खुदा से कम भी नहीं। जिनकी पूरी दाल काली हो वो शुचिता की बात ना करें तो अच्छा होगा। किस पार्टी को किस स्रोत से चंदा मिलता है उसकी टोटल जांच के लिए भी कोई मैकेनिज्म बिल्डअप होना चाहिए, ताकि काले धन की निकासी कम से कम चुनाव से हो सके। तहे दिल से इसका स्वागत करते हैं। हमारा हमेशा मानना है कि जमहूरियत को, प्रजातंत्र को पूंजी की गिरफ्त से बचाया जाए। हमने बीते वर्षों में देखा है कि किस प्रकार पूंजी एक बादल, काले काले बादल की तरह चस्पा हो गई है, उसने जमहूरियत की का जो मर्म है, उसका जो तत्व है, उसकी जो आत्मा है, उसको खत्म करने की चेष्टा की है। इसी तरह की कुछ इश्यूज बर्नी सैंडर्स ने अमेरिका में भी उठाए, रिग्ड इकॉनमी, रिग्ड पॉलिटी, हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। हम आशा करेंगे कि इस पर एक समग्र चिंतन हो। Whenever the election commission comes up with a set of recommendations or thoughts, it is bound to be discussed. They are going to be looked at, and I'm sure whenever a decision has to be taken, it will be taken. ठीक है, तो सारी पार्टियों की, सारी नहीं लेकिन कुछ बड़ी पार्टियों की इस देश की आपने बातें सुनी। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, एमके वेणु, आपकी राय लेना चाहूंगा पहले, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज के लिए फ्लोर ओपन करूंगा। एमके वेणु, आपको क्या लगता है, क्या वाकई हाँ तो सभी कह रहे हैं लेकिन तैयार अगर होते तो अब तक इस देश में पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स दे रही होती और सियासी चंदे का चाहे वो 1 रुपये का भी हो हिसाब हमें और आपको मिल रहा होता? बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूं कि जो रूलिंग पार्टी है उसका तो बड़ा दायित्व होता है। आपने देखा जब मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन जब अनाउंस किया, मेरे को लगता है कि उसके साथ साथ तभी उनको ये भी अनाउंस कर देना चाहिए था कि हम पूरे चुनाव की जो प्रक्रिया है उसके रूल्स और लॉ चेंज करेंगे और 20,000 रुपए से नीचे जो अनडिस्क्लोज इंडिविजुअल जो सारा जो कैश ये 20,000 से नीचे दिखाते हैं और वो कैश लेते बड़े बड़े कंपनियों से और उसको तोड़ तोड़ के 20,000 से कम दिखाते हैं, उस मोदी जी को कहना चाहिए था तभी जब डिमोनेटाइज अनाउंस किया था कि उसको उसकी पूरी आइडेंटिटी रिवील की जाएगी, उसके आधार कार्ड या जो भी मतलब पैन कार्ड उनसे लिया जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी आखिर एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है। आप देखिए और जो नॉन प्रॉफिट एंटिटीज हैं सब में जो डोनेशन आती हैं वो उसमें पैन कार्ड कंपलसरी है, जो डोनेट करता है तो पैन कार्ड देना पड़ता है, तो यहां पे भी आप लीजिए पैन कार्ड। और दूसरी बात, जो मोदी जी ने जो पार्लियामेंट्री पार्टी को जो कहा था जब पार्लियामेंट शुरू हुआ था कि भाई स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन पे भी सोचना चाहिए, इसमें सोचने की क्या जरूरत है, आप सीधे अनाउंस कीजिए आपकी सरकार है, आप सरकार चला रहे हैं। आपने सरकार से सवाल पूछा है एमके वेणु जी, मेरे साथ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन में
सर मैं आ रहा हूं आपके पास, मेरे साथ बीजेपी से प्रेम शुक्ला है और बीजेपी इस वक्त सरकार में, तो उनसे पूछते हैं। तो इस बीच हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनिल वर्मा, हेड एडीआर जुड़ चुके हैं। जनरल साहब आपके पास एक थोड़ी सी देर में आ रहा हूं, लेकिन पहले जैसे एमके वेणु ने एक सवाल पूछा है, तो प्रेम शुक्ला आप ही से वो सवाल, क्या दिक्कत है इस चीज को मानने में? अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी आपको सुझाव दे दिया है। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज ही बताया कि उन्होंने पार्लियामेंट सेशन के पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग में इस बात को रखा था कि हमको चुनाव में और राजनीतिक दलों को जो चंदा आता है उसका एक पारदर्शी मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी इस बारे में पूरी तरह से पारदर्शी भी, और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने साफ शब्दों में कहा है कि हमारे को जो चंदा मिलता है उसको अगर आरटीआई के दायरे में भी लाया जाए तो हम उसके लिए तैयार है। तो भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास करेगी, ये प्रायोरिटी है कि सारे राजनीतिक दलों को जो चंदा मिलता है उसका मैकेनिज्म बने, उनको जो चंदा देने वाले लोग हैं उनको जो है उनकी उनकी पूरी डिटेलिंग हो, और हर पैसे का हिसाब, पाई पाई हिसाब जो है जनता के समक्ष पारदर्शी ढंग से रखा जाना चाहिए। नहीं तो सर, अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? प्रेम शुक्ला जी, ढाई साल आपको इस बार हो गए हैं, इससे पहले भी आप सरकार में रहे, 5-6 साल आप तब भी सरकार में रहे। ऐसा है नहीं गौरव जी, ये तो ऐसा है कि 1995 के पहले कोई उम्मीदवार जो है वो अपना जो है खर्च का हिसाब भी नहीं देता था। आप ये क्या पूछेंगे टीएमसीसी से कि इसके पहले क्यों नहीं कर दिया? कोई भी प्रक्रिया चुनाव सुधार की एक सतत प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आज हम इस बिंदु पर पहुंचे हैं कि जो चुनावी पार्टियां जो पार्टियां राजनीतिक दल में, राजनीतिक दल जो है जो चुनाव का उनका खर्च है, राजनीतिक दलों को मिलने वाला चंदा, उनका खर्च, आय व्यय, इसका पारदर्शी हिसाब होना चाहिए। मैं चरण सिंह साहब आपके पास भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है। ये भी बता दीजिए कि राजनीतिक पार्टियों के ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगना चाहिए? हाँ चलिए बता दीजिए प्रेम शुक्ला जी। नहीं, जैसे एनजीओ जो सेवा धर्मी सेवा भावी धर्मादा संस्थाएं हैं, जैसे उनको टैक्स नहीं दिया जाता, जो पार्टियां सच जैसे एक इलेक्शन कमीशन ने आज एक सुझाव दिया है कि जो चुनाव लड़ते ही नहीं है ऐसे भी राजनीतिक दल, तो पहले तो उनको बाहर किया जाना चाहिए छूट से। दूसरा जो एक मानदंड बनाया जाना चाहिए कि भाई जो चुनाव लड़ेगा और जिसके लोग जीत कर संसद में और विधानसभा पहुंचेंगे और जो धर्मादा सचमुच सेवा का कार्य कर रहे हैं उनको, चूंकि सेवा कार्य करने वाली नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरह से टैक्स में छूट है उस तरह से राजनीतिक दलों में को देने में मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं आपत्ति होनी चाहिए? जो एनजीओ है वो पब्लिक में हेल्प करते हैं, लोगों को सर्विस देते हैं। राजनीतिक पार्टियां कोई भी पब्लिक के लिए बताइए ना, एक काम बताइए राजनीतिक दल। शुक्ला जी पहले पूरी बात सुन लीजिए, एक भी राजनीतिक पार्टी किसी तरह की कोई भी सर्विस पब्लिक को नहीं देती है। फाइल कर देना, कोई भी राजनीतिक पार्टी पब्लिक के लिए कोई काम नहीं करती। आप इलेक्शन अपने लिए लड़ते हैं, आप इलेक्शन अपने लिए लड़ते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, पैसा अपने लिए अपने ऊपर खर्च करते हैं, आप पब्लिक को कुछ नहीं देते। लोगों को जागृत करने का काम करता है, कोई जागृत करने का काम नहीं करते। आप हमेशा कहते हैं हमें वोट दो, ठीक है। प्रेम शुक्ला रुकिए, हम राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर सबसे ज्यादा वो संगठन है जिसने सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज पर रिसर्च किया, उन पर रिपोर्ट्स तैयार की है और उनके बारे में पब्लिक में बातें की है। मेरे साथ मेजर जनरल अनिल वर्मा है, रिटायर्ड जनरल अनिल वर्मा। वर्मा साहब, एडीआर का क्या मानना है और एडीआर का क्या अभी तक का रिसर्च है पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने वाली फंडिंग के ऊपर, और पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग मिल रही है उनको इनकम टैक्स के दायरे में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इसके बारे में क्या मानना है? पहली बात यह है कि पॉलिटिकल फंडिंग के मामले में पारदर्शिता के ऊपर बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं, कई कमिटियां बिठाई गई हैं, लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स हैं, किसी में भी पढ़ लीजिए, सब में पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी की मांग की गई है। और सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो 20,000 से की नीचे की रकम का जो कोई हिसाब किताब नहीं दिया जाता वो 70-75% जो फंड्स इनको मिलते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो अब ये कहाँ से मिलते हैं, कौन दे रहा है, उसके बारे में जनता को मानने का तो पता होना चाहिए ना, उसका तो हक है वो पता लगाने के लिए। तो अभी जो आज
इलेक्शन कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिए हम उनका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और पॉलिटिकल पार्टी सब इसको कह तो रहे हैं कि ये बड़ी अच्छी चीज है, करना चाहिए, लेकिन कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ठीक है सर, सर आप रहिए मेरे साथ, सर आप मेरे साथ रहिए, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और चरण सिंह सापड़ा, आप वो पार्टी हैं जो इस देश में सबसे ज्यादा सरकार में रहे हैं, आप वो पार्टी हैं जो इस देश में सबसे ज्यादा आपने नियम कायदे और कानून बनाए हैं। चरण सिंह सापड़ा साहब एक कानून ये भी बना देते, एक नियम ये भी बना देते, क्यों आज कथनी और करनी में अंतर दिखता? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो शर्मा जी ने याचिका दायर की है उसका स्वागत करना चाहिए। और अगर सरकार ये निर्णय लेती है तो कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक आपकी बात है कि यह निर्णय पहले क्यों नहीं लिया गया, जी जी, अब ऐसा मेरा जवाब सुन लीजिए। देखिए, ऐसा है कि हर चीज का एक समय होता है। अब जैसे श्री राजीव गांधी जी जब टेलीकम्युनिकेशन में क्रांति लाए थे या कंप्यूटराइजेशन में क्रांति लाए थे, अगर उसी दिन आप कहते कि मोबाइल फोन भी आ जाने चाहिए थे, अगर मोबाइल फोन जिस दिन आए उस दिन आप कहते कि नेट बैंकिंग शुरू हो जानी चाहिए थी, अब जिस दिन नेट बैंकिंग शुरू हो गई, अगर उस दिन आप कहें कि 100% जनता जो है भारत की वो प्लास्टिक मनी या डिजिटल मनी यूज करनी चाहिए, तो ये संभव नहीं होता है। हर चीज का उचित समय होता है। जैसे प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि टीएन सेशन साहब ने क्रांति लाई थी, आपको ये भी कह सकता है कि टीएन सेशन ने क्यों नहीं उस समय ये सब किया। तो हर चीज का एक उचित समय होता है। इस चीज का समय अभी आया है और इसमें अगर सरकार और कोर्ट या इलेक्शन कमीशन जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, इलेक्शन कमीशन अगर ये ठीक है, चलिए आपके इसी बात को मानते हुए कि सेल्फ इवॉल्विंग है ये पूरा मामला और पॉलिटिकल पार्टीज भी इस मामले में अपने आप को देख रही हैं। तो चरण सिंह सापड़ा साहब, अब कांग्रेस की लाइन बता दीजिए बिल्कुल क्लियर, इनकम टैक्स देना चाहेगी कांग्रेस पार्टी, और क्या पॉलिटिकल जो भी चंदा आपको मिलता है, चाहे वो 20,000 के नीचे मिलता हो चाहे 20,000 के ऊपर मिलता हो, वो आप पब्लिक डोमेन में रखेंगे, उसका हिसाब देंगे आप? बिल्कुल, वो डोमेन में रखना ही चाहिए। पहले भी सारे अकाउंट्स जो है वो ऑडिट होते हैं। हाँ, वो आरटीआई के प्रव्यू में नहीं है, इसलिए कोई मांगता है तो उसको मिलते नहीं है। और अगर ये आरटीआई के प्रव्यू में भी आता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, आरटीआई लाने वाली तो कांग्रेस पार्टी ही है, तो हमको कोई इसमें शंका कुशंका कुछ नहीं है। जिस तरह से मौजूदा सरकार या इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट निर्णय करना चाहे करे, कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। प्रेम शुक्ला सुन लीजिए, ये कह रहे हैं आपको समर्थन देंगे, मैं थोड़ी देर में आपसे पूछूंगा तो फिर क्या इस बारे में आप कुछ करने जा रहे हैं सभी पार्टियों को मिला के? नहीं नहीं, मैं आ रहा हूं सर, एक मिनट, लेकिन मैं दूसरी पार्टियों से एक रिएक्शन ले लूं। जूही सिंह, आप भी तैयार हैं, यूपी में तो चुनाव होने वाला है कुछ ही दिनों में, समाजवादी पार्टी भी समर्थन करती है इसका, या आपको लगता है कि नहीं ये जो दूसरी पार्टियां कह रही हैं इनको अभी तक करना चाहिए था, ये करा नहीं इन्होंने और अब कह रहे हैं कि करेंगे? जी, हम इसका समर्थन करते हैं और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी ये क्यों कह रही है कि इसको ऑल पार्टी कंसेंसस की जरूरत है। उनके सांसद हैं वो, ये अमेंडमेंट लाएं पार्लियामेंट में, सारी पार्टीज एक्सपोज हो जाएंगी अगर इनको लग रहा है कि कोई इनका विरोध कर रहा है। दूसरी बात, ये अमेंडमेंट के साथ इनकम टैक्स में बिल्कुल 13A हटा देना चाहिए, लेकिन इनकम टैक्स एज अ सर्विस को भी केंद्र सरकार को फिर एम्पावर करना चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, उनको मैन पावर देना चाहिए और उनको अथॉरिटी देनी चाहिए कि वो हमारे सारे खाते जो हम पब्लिक डोमेन में देते हैं उनकी जांच करें और हम पर एक्शन लें। बिल्कुल पब्लिक पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ऐसी कोई सोशल सर्विस नहीं करती हैं, सबके खाते इन्वेस्टिगेट होने चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए। तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह इनके साथ है, लेकिन ये लॉ तो लाएं, अभी तो ये इनकम टैक्स में एक अमेंडमेंट लाए हैं उसी के साथ ये ले आते, तो इसमें क्या कंसेंसस की आवश्यकता है? बीजेपी के पास मैंडेट है इस लॉ को लाए, सारी पार्टियां इनके साथ खड़ी हैं। चलिए, एक पार्टी और आ गई आपके साथ, बातों तक इसको ना सीमित रखें, एक पार्टी और आ गई प्रेम शुक्ला आपके साथ। अब जरा दो तीन पार्टियों के एक साथ राय पूछते हैं, लेफ्ट की राय पूछते हैं। जैदी साहब, लेफ्ट की राय बताइए इस बारे में। नंबर एक तो मैं जिस दिन से नोटबंदी का हुआ मैं इस पे पहले दिन से कह रहा हूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। ठीक है, कम से कम हमारी इस बात को प्रधानमंत्री ने सुना और आज उस पर बयान दिया, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा। हम पहली पार्टी हैं जो 1978 से अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, हम पहली पार्टी हैं जो अपने चंदे का हिसाब देते हैं, हम पहली पार्टी हैं जो ये कहते हैं कि उद्योग घरानों से चंदे पर पाबंदी होनी चाहिए,
कोई पार्टी नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से विनम्र हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं, जब इतना बड़ा फैसला बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी के मशवरे के, बगैर किसी राजनीतिक दलों के मशवरे के लिया जा सकता है नोटबंदी का, तो बगैर सुझाव के ये चुनाव सुधार क्यों नहीं हो सकते? आप मगर बताना ये पड़ेगा, जो आज की रैली जिसमें वो भाषण दे रहे थे उसी रैली के हिसाब दे देते आरटीआई के दायरे में, तो मुबारकबाद के पात्र थे। प्रधानमंत्री अपोजिशन या नेता की तरह नहीं बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री की ही तरह बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री की तरह ऐलान करते वहां पे कि कल से सारी पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई के दायरे में होंगी, कल से सारी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना होगा, चंदे का हिसाब देना होगा। लेकिन नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। क्यों क्यों क्यों? अभी अगर बैंक में जाता है कोई 5,000 रुपए लेके तो उसका इंटरव्यू लेगा मैनेजर, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को कह दिया गया है कि आपने खातों में पैसा जमा कीजिए, आपसे कोई हिसाब नहीं लेगा। तो अब दौर आ गया है, जनता पढ़ लिख ली है, जनता ये जानना चाहिए जनता को कि ईमानदार कौन है और ईमानदार का नाटक करने वाला कौन है। तो ये जनता के सामने आ जाना, चलिए ईमानदार कौन है, ईमानदार का नाटक करने वाला कौन है, जनता को जानना चाहिए। प्रेम शुक्ला मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले विजय वर्मा साहब आपके पास आऊंगा। अनिल वर्मा साहब क्या लगता है आपको, क्या आपको अब नियर फ्यूचर में ऐसी कोई उम्मीद है कि जो बात आप या दूसरे कुछ लोग सालों से उठा रहे हैं, एक लंबे वक्त से उठा रहे हैं, वो हो सकता है कोई कंसेंसस बनती दिखती है आपको? मैं ये जितने भी अपने राजनीतिक दलों के वक्ता हैं उनको ये याद दिलाना चाहूंगा कि ये सारे केस कोर्ट में चल रहे हैं अभी। आरटीआई के ऊपर जो जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट ने और कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी ने दिया, एफसीआरए के मामले में जो कांग्रेस और बीजेपी को दोषी पाया गया उसके बारे में जो इन्होंने जवाब दिया, और कोई भी सुधार इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में जब भी बात होती है तो ये उसके विपरीत जाते हैं, तभी तो कोर्ट में हमें ये सब चीजें ले जानी पड़ती हैं। नहीं तो ये अच्छी अच्छी बात वो ये कह रहे हैं, दो तीन तरह के तर्क हैं वर्मा साहब, दो तीन तरह के तर्क है। एक तर्क है आ रहा हूँ सर, आप बोलिए सर, सुनिए मेरा सवाल, सुनिए फिर अपनी बात पूरी कीजिए। दो तीन तरह के तर्क। प्रधानमंत्री जी पहले दिन लोकसभा में गए थे तब भी जो उन्होंने पहला भाषण दिया था उसमें भी बोला था कि क्रिमिनल केसेस वाले जो है वो नहीं होने चाहिए और फास्ट ट्रैक केस होने चाहिए और ये सब, क्या हुआ उसका? 2.5 साल तो हो गए, ठीक है, ये एक सवाल है। लेकिन वर्मा साहब दो तीन तरह के तर्क है। एक तर्क है कि चीजें समय के साथ होती हैं, अभी हमने पहले बहुत सारी चीजें की, अब वक्त इसका आया है तो इसको करना चाहिए, पहला तर्क। तो अगर आया है तो फिर कोर्ट में बरखिलाफ क्यों जाते हैं ये रिफॉर्म्स के बारे में? हाँ, और दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि सारी पार्टियां एक साथ आएंगी तो हम कर लेंगे, तो आपको लगता है कि वो तो हमें कैमरे के आगे कुछ और कैमरे के पीछे कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, वो हमेशा ऐसे ही कहते हैं कि इस मामले में तो हमें सहमति बनानी पड़ेगी। चलिए इस मामले में आपको एक चीज तो अलग रखनी पड़ेगी, कहना चाहिए एक चीज के, लेफ्ट फ्रंट शुरू से मांग करता चला है, कि हम आरटीआई के दायरे में आना चाहते हैं, ठीक है, हम चंदे का हिसाब देना चाहते हैं, हम देते हैं, 1978 से देते चले आए, तो दोनों को आप एक साथ नहीं रख सकते, बीजेपी और कांग्रेस को हमारे साथ नहीं रख सकते। हमारा चेहरा जो दिखाने का है वो ही हमारे पीछे, जो हम कहते हैं वो ही करते हैं, ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है, वरना तो ये बताएं। कहना चाहिए कि जो इनकी परिवर्तन यात्रा पे खर्च हो रहा है, जो इन्होंने 2400 मोटरसाइकिलें खरीदी हैं, ये किस बजट से खरीदी हैं, ये कहां से फाइनेंस हुआ है? एक चीज और सर मैं आपको बता दूं, हर पार्टी के अंदर पैसा का फ्लो ऊपर से नीचे को है, ये किसी अपने उम्मीदवार से अपने सदस्यता अभियान चलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ लेफ्ट फ्रंट ऐसा है जो अपने सदस्यों से हर महीने 20 रुपए 50 रुपए चंदा लेके पार्टी चलाता है। चलिए सर, ठीक है सर, लेकिन लेफ्ट पार्टी कॉर्पोरेट क्रिमिनल गैंग की तरह बिहेव करती है केरल और बंगाल में। हमारा कहीं भी आपके पास सत्ता है ना सीबीआई से इंक्वायरी करा लीजिए, आप ईमानदार हैं तो आप कल से कॉर्पोरेट जगत से चंदा लेना बंद कीजिए। सबसे कुकर नहीं, प्रेम शुक्ला हमारे ऊपर फिरका परस्ती का आरोप नहीं लग सकता, दूसरे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग सकता, आपके हर आदमी भ्रष्टाचार का आरोप है, आप दूध के धुले में नहीं है, आपके पास दूसरे भ्रष्टाचार का आरोप है किसी और पार्टी में नहीं है।
ठीक है, इतना आराम से, आराम से, जदी साहब आराम से, पूरा आराम से, प्रेम शुक्ला एक मिनट, जदी साहब के अंदर इतना आराम से, जदी साहब आराम से, आराम से, प्रेम शुक्ला हम बहस से, हम मुद्दे से अलग ना चले जाएं, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, बहस नहीं करना चाहते हैं, नहीं, एक मिनट, एक मिनट, जदी साहब, प्रेम शुक्ला हम बहस से दूर ना चले जाएं, किसी के बारे में कुछ भी बोले जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, आप कुछ नहीं बोल रहे, नहीं, प्रेम शुक्ला समाज हित में, प्रेम शुक्ला आपको मौका मिलेगा, आप बोलिएगा, जदी साहब, जदी साहब, जदी साहब, जदी साहब, जदी साहब, एक एक करके बात करते हैं ना, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके, एक एक करके, चोर विजयन, आराम से, आराम से, आराम से, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, प्लीज मेक सम डिसेंसी, आराम से, जदी साहब, एक बार शब्द आते हैं, एमके वेन्यू में आपके पास होगा, शब्दों का सही चयन, जदी साहब, आराम से, आप शब्दों का चयन कीजिए सही, एक मैं मुख्यमंत्री नहीं, प्रेम शुक्ला हम थोड़ी सी अच्छी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, मैं ये मानता हूँ, ठीक है, प्रेम शुक्ला, आप आरोप लगाइए, लेकिन लेकिन थोड़ा सा सवाल मैं कर सकता हूँ, आदमी अपने चरित्र के अनुसार शब्दों का चयन करता है, आपका आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आपका मुख्यमंत्री बैठ कर कहता है पद पर कि राजनीतिक हिंसा करना अधिकार है, और आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है, आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है इस देश में कि लोगों का पैसा छीना हमारा अधिकार है, नहीं नहीं, एमएल शर्मा, एमएल शर्मा, प्राइम मिनिस्टर सबका है, एमएल शर्मा, एमएल शर्मा, आप मुद्दे से अलग जा रहे हैं सर, प्लीज आराम से, और प्राइम मिनिस्टर तो देश का है सर, प्राइम मिनिस्टर तो देश का है, लेकिन ठीक है, आप टाइम में जो स्टेटमेंट, आप नहीं मानते होंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, एमके वेणु में आपके पास आऊंगा, एमके वेणु, एमके वेणु, वही बात, जो बात विजय मैं आ रहा हूँ चयन के चरित्र के अनुसार, अरे अरे प्रेम शुक्ला साहब, प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट, एक मिनट, एमएल शर्मा, एक मिनट, एमएल शर्मा, एक मिनट, आराम से, एक एक करके बात करते हैं, व्यूअर को समझ में आ जाइए, बात आराम से, रुके रुके रुके, हम टीवी डिबेट में बैठे, आराम से, आप मेरा दोबारा बोलिए, जदी साहब आप प्लीज शांत रहिए, जदी साहब, जदी साहब, जदी साहब, जदी साहब, आप सुनिए, रिकॉर्डिंग दीजिएगा, मैं कल वो अगला साल आराम से, आराम से, को डिबेट कहीं और, एमके वेणु, एमके वेणु, योर टेक, एमके वेणु, गो अहेड, एमके वेणु, क्या लगता है आपको, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, एमके वेणु, एमके वेणु, आप बोलिए, देखिए मैं अभी कोई साहब बोल रहे थे कि ये जो पॉलिसी है ये इवॉल्व कर रही है, मेरा ये मानना है कि जो डीमोनेटाइजेशन के बाद जो अभी हम देख रहे हैं ये मौका अच्छा है कि एकदम से एक ही झटके में सारी जो लॉ और रूल्स चेंज की जाए और एक टैक्स लाया जाए, बड़े बड़े जो कंपनियां, हजार जो 2000 जो बड़ी कंपनियां हैं जो वैसे अलग से कैश पॉलिटिकल पार्टीज को देती है, खासकर बड़ी पार्टीज को देती है, बीजेपी कांग्रेस दोनों को सबसे ज्यादा बड़े उद्योगों से मिलता है, मगर इस पे एक पूरे सरकार की तरफ से एक सेस लगे, हम अगर रोड्स पे सेस कर सकते हैं, पेट्रोलियम सेस कर सकते हैं और एजुकेशन सेस ला सकते हैं, एक इलेक्शन सेस क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि ये पूरे माहौल और पूरे हमारी व्यवस्था को साफ करने के लिए है, तो फिर एक बारी कॉर्पोरेट हाउसेस से 5 साल में लीजिए, ट्रांसपेरेंट रखिए, बीच बीच में उनसे आप पैसे जब ये मांगते हैं तभी भ्रष्टाचार होता है, आपने देखा होगा हमेशा 5वें साल इलेक्शन में आने से पहले बड़ी सारी डील्स होती हैं, बड़े सारे स्कैम्स होते हैं, उससे हमें बिल्कुल बचना चाहिए, और ये एक ट्रांसपेरेंट टैक्स के जरिए हो सकता है जो बड़े उद्योगों पे लगना चाहिए, और उसके फिर उसको इलेक्शन कमीशन उस फंड को एडमिनिस्टर करे और जिस प्रपोर्शन में जिस पार्टीज को मिलना चाहिए उस दे, ये व्यवस्था मैं अगर मोदी जी की जगह होता तो मैं कल अनाउंस कर देता और मैं वेट नहीं करता, अगर आप डिमोनेटाइजेशन अनाउंस कर सकते हो तो उसके साथ ये भी करना चाहिए, तो इससे फिर लोगों को थोड़ा विश्वास होगा कि भाई ये सिर्फ एमके वेणु आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ये बात पूछी जा सकती है बीजेपी से, केवल लोगों छोटे लोगों के खिलाफ नहीं, ये बड़े राजनेता भी इसमें इसमें अपनी साफ व्यवस्था लाना चाहते हैं और बड़े उद्योगों के लिए भी साफ व्यवस्था कीजिए ना, लेकिन फिर आपको आपको वो नहीं लगता फिर घूम फिरा के बात तो अपनी फ्रेटर्निटी पर आ जाएगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार दिखती है एमके वेणु आपको, कोई नहीं, तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई मैं सबसे बड़ा रिस्क ले रहा हूं, पहली बार ऐसा कोई रिस्क लेने की कोशिश करते हो, जब कह रहे हैं तो फिर करें, फिर अब मोदी जी का सिर्फ यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है कि भाई ये रिस्क अभी तक किसी ने ले लिया, मैं ले रहा हूं, अगर आप बोल रहे हो कि मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूं तो फिर लीजिए ना, चलिए रिस्क लेंगे क्या प्रेम शुक्ला, ये फिर आप प्रेम शुक्ला ये रिस्क लेंगे क्या, प्रेम शुक्ला आप और आपकी पार्टी क्या ये रिस्क लेगी, देखिए जो निश्चित तौर पर जो डिमोनेटाइजेशन का रिस्क ले सकता है वही व्यक्ति जो है वो राजनीतिक दलों के फंडिंग में काला धन के आगमन को रोकने और पूरे राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली में
विशेष करके उसको धन प्राप्ति करने का, धन संचय करने का जो प्रणाली है उसको पारदर्शी बनाने की क्षमता है। वरना तो एक जमाना था ना, आज मोदी जी ने जिसका जिक्र भी किया कि न खाता न बही, जो केसरिया ने कही वही बात सही। उस दौर से मुक्ति का, जब व्यवस्था से काला धन उखाड़ा जा रहा है तो राजनीतिक दलों के पास भी आने वाले काले धन के मार को बंद किया ही जाएगा, ये निश्चित निर्णय लिया जाएगा और आदरणीय मोदी जी के शासनकाल में ही संभव है। प्रेम शुक्ला जी एक आंकड़ा रखता हूं आपके सामने, मैं चाहता हूं आप उसका जवाब दीजिए। भारत में जो इलेक्शन कमीशन की जो आंकड़े हैं, इलेक्शन कमीशन के जो नियम है उसके मुताबिक बड़े राज्य में अगर कोई सांसद लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है तो 70 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है, छोटे राज्य में लड़ रहा है तो 54 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। मैं आपको 2014 के लोकसभा चुनाव का आंकड़ा देता हूं, चुनाव आयोग का। बीजेपी ने 700 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए पिछले लोकसभा चुनाव में। सर अगर आप इसको कैलकुलेशन करें ना तो 700 करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा है और जो हिसाब मैंने दिया उससे बहुत मैच नहीं करता। ये जो पैसा मिसमैच है कहीं ना कहीं आपके आप पे भी सवाल उठेंगे और कहीं आपको भी जवाब देने पड़ जाएंगे, इसलिए भी तो डर नहीं है कहीं दिल में? कृपया इस बात को गौरव जी कृपया इस बात को भी समझिए कि प्रति उम्मीदवार का आंकड़ा और राजनीतिक दल द्वारा खर्च किया जाना ये दोनों अलग अलग। राजनीतिक दल अपने समग्र प्रचार सामग्री, यात्राएं, तमाम तरह के प्रचार के साधन, इन पर खर्च का एक अमाउंट और प्रति जो उम्मीदवार है उसके खर्च का नहीं, आपको लगता है 700 करोड़ एक रेशनल मनी है किसी चुनाव में एक बार खर्च करने में? 700 करोड़ मतलब कितना बड़ा आंकड़ा होता है अगर खड़े होंगे पैसा, ये पैसा आम लोगों पे खर्च होता तो? अरे भाई जिसके जितने, मान लीजिए, नहीं सुन तो लीजिए, सीपीएम जैसी पार्टी जो दो स्टेट के बाहर नहीं है उसका खर्च कम होगा। एक कोई पार्टी है वो क्षेत्रीय नहीं, प्रदेश में भी छोटे से क्षेत्र में कार्य कर रही, एक राष्ट्रीय पार्टी है। किसी जमाने में कांग्रेस सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी थी तो कांग्रेस का खर्च सबसे अधिक था। अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इनकी व्यापकता समतुल्य है, इनका खर्च भी लगभग उसी तरह का है। जो पार्टियां छोटी है उनका खर्च कम हो जाता है। आप जितने अधिक उम्मीदवार लड़ाएंगे आपके प्रचार खर्च आएगा, कुछ अलग करके किसी भी फिगर को जो है वो ढंग से जो है कैलकुलेट करना चाहिए। नहीं कैलकुलेट तो मैंने आपके सामने कर दिया। आया कहां से कि भारतवर्ष ये 700 करोड़ आया कहां से, ये बता सकते हैं आप आज की डेट में? उसका हिसाब है क्या? और उसका हिसाब जो है इलेक्शन कमीशन मांग सकता है, दिया जाएगा। हम नहीं मांग सकते, इलेक्शन मांग सकता है। चरण सिंह साबरा उन्होंने चरण सिंह साबरा आपका जवाब देखिए भाई, कांग्रेस ने भी 500 करोड़ से ज्यादा खर्च किए थे पिछले चुनाव, पिछले लोकसभा चुनाव 66 बोलिए 1866 पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है। उसमें से 56 पार्टियां ऐसी हैं कि जो रजिस्टर्ड भी हैं और उनको रिकॉग्निशन भी है। बाकी 1810 पार्टियां ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड हैं लेकिन उनको नेशनल रिकॉग्निशन नहीं है। तो हर एक के खर्च में फर्क तो रहेगा, ये तो बात ठीक है, लेकिन ये जो बाकी का लॉट है जो 1810 पार्टियां हैं जिनका रिकॉग्निशन भी नहीं है, इसको कहीं ना कहीं कई लोग अपना काला पैसा सफेद करने के माध्यम यूज करते होंगे, इसके ऊपर सबसे पहले अंकुश लाना चाहिए। और जहां तक पार्टी बड़ी का सवाल आया है तो सबसे बड़ी पार्टी मेंबरशिप सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई है। नहीं चरण सिंह साबरा साहब 10 सालों में राजनीतिक पार्टियों का चंदा करीब करीब 500% बढ़ा है। कर सकते हैं सर चरण सिंह साबरा साहब, 10 सालों में राजनीतिक पार्टियों का, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, कांग्रेस बीजेपी हर राजनीतिक पार्टी जो इस देश में रजिस्टर्ड है, 10 सालों में करीब करीब 500% बढ़ा है राजनीतिक पार्टियों का चंदा। अच्छे से अच्छी कंपनी का शेयर भी शेयर मार्केट में इतना रिटर्न नहीं देता सर, 10% चंदा 10 सालों में 400-500% चंदा बढ़ जाना। क्या आपको लगता नहीं कि अब ये वक्त आ गया है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि क्योंकि तमाम आरोप आप भी लगाते रहते हैं कि इस पार्टी को इस कारोबारी ने चंदा दिया, आप लगाते हैं, दूसरा लगाता है कि आपकी पार्टी का चंदा संपर्क किसी दूसरे ऐसे क्रिमिनल से है, तो ये तो सामने आना चाहिए ना लोगों के अब कि किस कारोबारी ने या किस क्रिमिनल ने किस पार्टी को क्या चंदा दिया। सामने भी आना चाहिए और टैक्स भी लगना चाहिए क्योंकि ये बिना मेहनत का पैसा आता है। गौरव जी यही मैं, अरे भाई साहब सुन लीजिए, गौरव जी भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट जो है वो ऑडिट होते हैं, वो इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं, उस ऑडिट की कोई वैल्यू नहीं, कोई भी इसे ठप्पा लगा के दिखाना भी पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो छुप के रहता है। पहली बात सारा ही छुपा हुआ है,
अभी आप बीच में बोलेंगे तो फिर मैं आपको आगे बोलने नहीं दूंगा। बोले शरण चरण से आपसे थोड़ा 5% बुद्धि मैं भी ज्यादा रखता हूं। बोलिए बोलिए बोलिए। तो सुनिए, तो ये पारदर्शिता पॉलिटिकल पार्टीज रखती है, हमेशा रखती है। जहां तक पहले जिस तरह से शुक्ला जी ने कहा, श्री सीताराम केसरी जी की बात कही, तो वो जो इनका डायलॉग था, जो जुमला था, वो हमारी पार्टी का इंटरनल था। वो हम कोई इलेक्शन कमीशन को अकाउंट नहीं सबमिट करते इसलिए नहीं था, तब भी इलेक्शन कमीशन को अकाउंट सबमिट होता था, हर चुनाव का सबमिट होता था। लेकिन विद इन पार्टी केसरी जी को हम उनके सम्मान में नहीं पूछते थे, ये बात है। उसको नरेंद्र मोदी जी ने आज पब्लिक मीटिंग में ये जाहिर करके कह दिया कि जिस तरह से कांग्रेस आज के पहले कभी इलेक्शन कमीशन को खाता देती नहीं थी, तो ये बात उचित नहीं है, ये गलत है। लोगों के अंदर गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पारदर्शिता चाहती है। अगर हम इनकम बहुत अच्छी बात है, सवाल ये है कि 20,000 से नीचे की जो डोनेशन है वो भी अगर इनकम टैक्स की एम्बिट में आती है तो हमको मंजूर है। हम कहां मंजूर है, 1 रुपए का डोनेशन भी मंजूर है आपको, जैसा कि नीतीश कुमार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 1 रुपए का डोनेशन हो तो उसको भी सब बिल्कुल। चलिए एमएल शर्मा, तब तो आपकी पीआईएल कामयाब हो गई, आपने आज पीआईएल दाखिल की। और भाई साहब ये तो नीतीश कुमार अभी कंपटीशन कर रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ने 2,000 कह दिया तो नीतीश कुमार 1 रुपया कह के और अच्छा बनना चाहते हैं, वो अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, बात तो इतनी है। सर राजनीतिक पार्टी तो हर पार्टी अपनी दुकान चलाती है, सर हर पार्टी दुकान चला रही है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में किस तरह से डमी पार्टीज बनाकर, किस तरह डमी पार्टीज बनाकर पैसा कमाया जा रहा है, होशियारी नीतीश कुमार दिखा रहे हैं। नहीं सर, वो अपनी दुकान चला रहे हैं, सर रिनोन लीडर, सर वो पहले इलेक्शन वो अगर अपनी दुकान चला रहे हैं तो सर हर कोई अपनी दुकान चला रहा है। एमएल शर्मा देखिए, एक बात है, मुझे सिर्फ एक बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि यहाँ पे जो भी लीडर्स बैठे हैं, जिस पार्टी के बैठे हैं, किसी ने भी एक भी शब्द का इस बात का विरोध नहीं किया है कि पॉलिटिकल पार्टियों के चंदे को पारदर्शिता होनी चाहिए और उसके ऊपर टैक्स भी लगना चाहिए, इस बात का किसी ने विरोध नहीं किया। और आज यदि पॉलिटिकल पार्टियों को मिलने वाले चंदे की जानकारी आम पब्लिक को हो और उसके चंदे के ऊपर टैक्स भी अगर लगता है तो निश्चित रूप से जो करप्शन है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा। मेरे को खुशी है, मैं कांग्रेचुलेशन देता हूं। सबसे ज्यादा धन्यवाद समाजवादी पार्टी की जो महिला लीडर बैठी हैं, इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा, वाकई में बहुत सही कहा इन्होंने कि कहने की आवश्यकता नहीं है, अब करने की है, आप करिए। और मुझे विश्वास है शुक्ला जी प्राइम मिनिस्टर आदरणीय मोदी जी को कहकर कल ही जिस तरह से नोट का ऑर्डर आया है, नोटिफिकेशन विद इन ए वीक एक नोटिफिकेशन लाएंगे जिससे कि हमें पीआईएल की हियरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी पॉलिटिकल पार्टियों को टैक्स, अपने सारे चंदे के ऊपर टैक्स देंगे और जब टैक्स देंगे तो उनके खातों का ऑडिट भी होगा और जिन्होंने आज तक डिस्क्लोजर सही नहीं किया है उनके ऊपर 300% टैक्स वही पड़ेगा जो आम आदमी टैक्स भुगत रहा है आज के टाइम में। थैंक यू, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत आभारी हूं मैडम का स्पेशली। और मैडम मुझे विश्वास है आपने जो बात कही मैं आपके साथ खड़ा हूं और पूरा देश आपके सवाल पूछ लेते हैं। जोई सिंह आपने बड़ी अच्छी बात की, आपकी तारीफ कर रहे हैं एमएल शर्मा, लेकिन यही बात आपकी पार्टी के नेता अपने राज्य में या लागू करेंगे या आपकी पार्टी के नेता इस बात को कहेंगे या हम आपके शीर्ष नेतृत्व से बात सुनेंगे और आपका शीर्ष नेतृत्व तो इसमें जाएगा, साथ देगा अगर सरकार ऐसा कुछ लाती है तो 100%। गौरव जी 100%। और जो कि मैंने पहले कहा कि हमारा शीर्ष नेतृत्व तो ये भी चाहता है कि जो हमारी एजेंसी है जो कि इनकम टैक्स की हम बात कर रहे हैं उसको भी और मजबूत बनाए। अगर जिम्मेदारी दे रहे हैं तो उनको संसाधन भी दें जिससे कि वो एक्शन भी ले सके। सही बात है, हम सब अपनी अकाउंट्स को ऑडिट करके सबमिट करते हैं लेकिन हम एग्जेम्प्ट हैं इसलिए कोई एक्शन नहीं होता। हिसाब देना अलग बात है लेकिन हिसाब गलत हो तो उस पर जो इंक्वायरी है वो इनकम टैक्स ही करेगा। तो उस सर्विस को भी मजबूत करें और केंद्र सरकार से हमारा यही आग्रह है ये जरूर ये रिकमेंडेशंस लाएं, लॉ लाएं, बिल लाएं, अमेंडमेंट लाएं, हम इनका 100% साथ देंगे, हमारा शीर्ष नेतृत्व साथ। ठीक है, मैं एक सवाल प्रेम शुक्ला आपसे पूछना चाहता हूं। लोग मुझसे ट्विटर पे एक सवाल पूछ रहे हैं कि आप अगर पूछ सकते हैं प्रेम शुक्ला जी से तो पूछिए। वो ये पूछ रहे हैं कि आपने नोटबंदी का ऐलान किया और आपने ये आपके मतलब कि सरकार की तरफ से वित्त मंत्री की तरफ से ये भी ऐलान किया गया कि पॉलिटिकल पार्टियों को कोई नई छूट नहीं दी गई है, लेकिन साथ में ये भी क्लियर किया गया कि अगर वो उनको जो चंदा मिलता है उसमें 500 और 1,000 रुपए का पुराना नोट मिलता है और वो ये अगर कहते हैं कि ये 8 तारीख के पहले का चंदा है तो उनसे कोई जांच नहीं होगी कि ये 8 तारीख के पहले का है कि नहीं है और वो आराम से पुराना नोट चंदे का जमा करा सकते हैं बैंकों में। तो जो लोग हैं जो
जिन लोगों के लिए आप रोज नए नए नियम लाते हैं, जिन लोगों को आपने एक नया नियम आज ही लाया कि 5,000 रुपए से ज्यादा आप नहीं जमा कर सकते, बिना एक बार जमा कर सकते हैं उसके ऊपर आप जमा नहीं कर सकते, दो मैनेजर आपका इंटरव्यू लेंगे या बात करेंगे, क्या पॉलिटिकल पार्टीज को भी ऐसे कुछ नहीं कर देना चाहिए था कि भाई आप जो देंगे उसका हिसाब तो कम से कम दीजिए कि आप 500 और 1,000 का नोट आपने पहले लिया तो किससे लिया, कम से कम बता तो दीजिए आप। आपने आदरणीय हसमुख अढ़िया जी का स्पष्टीकरण पढ़ा होगा, वो बहुत स्पष्ट कहा है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के चंदे के हिसाब में किसी प्रकार के गड़बड़ की आशंका होगी वो स्क्रूटनी का पात्र होगा। 20,000 के ऊपर, तो ये तो वही 20,000 के ऊपर, सर 20,000 के ऊपर उसका उत्तर आढ़िया, नहीं नहीं 20,000 के नीचे भी, 20,000 के ऊपर चंदे में, 20,000 के ऊपर किसी के कोई आपको आशंका पैदा होती है, 20,000 के नीचे नहीं है प्रेम शुक्ला जी, मिसगाइड मत करिए। 8 तारीख के पहले नहीं कृपया कृपया पूरा पूरा उत्तर सुन लीजिए। अच्छा सुनिए सुनाइए। 8 नवंबर के पहले का कोई चंदा दिखाकर 20,000 से अधिक 500 और 1,000 के नोट बड़े पैमाने पर ब्रेक करके दे रहा है और आशंका में है तो स्क्रूटनी का पात्र हो सकता है। नहीं, स्क्रूटनी का पात्र हो सकता है 20,000 के ऊपर सर, 20,000 के नीचे तो कहीं कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। 20,000 के नीचे कहां से लाया गया, किसने दिया, इसका सोर्स भी उसने किसी ने कि भाई अचानक जो है बहुत सारे लोग 8 नवंबर के पहले ने, और उसका सोर्स मेंटेन करना होगा। ये रिकॉर्ड बहुत स्पष्ट कहा गया है कि जो आपको 20,000 के नीचे भी चंदा दे रहा है उसका रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। नहीं, कानून में नहीं है, यहां आप गलत कह रहे हैं, प्लीज माफ कीजिएगा। 20,000 से नीचे के 50,000 ऊपर डाल के 10,000 रसीद बनवा दीजिए और 10,000 का मतलब है 200 करोड़ जमा करा दीजिए, कोई नहीं पूछेगा, बिल्कुल स्पष्ट है कानून। इसीलिए PIL हमने दाखिल किए कि 20,000 के नीचे आप कितनी भी रसीद बनाइए, बना करके 10,000 करोड़ भी जमा करा दीजिए, इनकम टैक्स आपको टच नहीं करेगा। लेकिन अगर आम आदमी 2,000 के नोट जमा कर देगा 2,000 रुपए के, तो उसको ऊपर इंक्वायरी होगी, उसको प्रोसिक्यूशन भी होगा। आखिर क्यों, और वो घंटों खड़ा भी रहेगा लाइन में अपने सवाल अपने पैसे के लिए। आप जो है, आप मुझे लगता है इस देश के एकमेव ईमानदार व्यक्ति है और आपको म्यूजियम में रखे जाने की भी आवश्यकता है। नहीं, म्यूजियम में आप खड़े होइए, बहुत धन्यवाद। आपके मोदी खड़े होंगे, बहुत धन्यवाद। शब्दों को चयनित कीजिए, आप ये देखिए सेक्शन 13A पढ़िए जरा, आप पब्लिक को झूठा बयान मत दीजिए, आप पब्लिक को झूठा बयान मत दीजिए, आप बताइए इनकम टैक्स एक्ट में 20,000 का प्रोविजन है कि नहीं, बयान नहीं दे रहे हैं आप, झूठा बयान दे रहे हैं। आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने जेटली ने स्पष्ट रूप से कहा जो कानून है उसी के हिसाब से करेंगे, और 13A में इनकम टैक्स में कहा 20,000 से नीचे आपको कोई हिसाब नहीं देना है, 50 आदमी बैठा के आप 10,000 देते हैं, 18 करोड़ रुपए आप जमा कराएंगे, आपको कोई हिसाब नहीं देना है। एमएल शर्मा जवाब ले लेते हैं, एमएल शर्मा जवाब लेते हैं, मैं एक मिनट आ रहा हूँ प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला यही जो सवाल मैंने आपसे पूछा, मेरे साथ इस वक्त अनिल वर्मा जुड़ चुके हैं, हेड ADR लाइव जुड़ चुके हैं इस वक्त मेरे साथ। अनिल वर्मा साहब, जो सवाल मैंने प्रेम शुक्ला से पूछा था, अगर आपने सुना हो मेरा सवाल, पॉलिटिकल पार्टियां 20,000 के नीचे 8 तारीख के पहले का चंदा भी अभी 500 और 1,000 रुपए का एक पुराने नोट में जमा करा सकती हैं, कोई पूछताछ नहीं होगी, आपको नहीं लगता कि आम आदमी को थोड़ा सा खटकेगा कि हमारे लिए तो 10 नियम है, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए तो एक भी नियम नहीं आया? बिल्कुल, ये दोहरे मापदंड है जो कि कॉमन आदमी के लिए कुछ और है और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कुछ और। ये तो साफ तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग का किस्सा है कि आपके पास जितना भी काला धन है उसको आप जमा करा दीजिए, वो सफ़ेद हो जाएगा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन आदमी ये पॉलिटिकल पार्टी के पास जमा करा रहा है पैसा और उसको कितना कमीशन दिया जा रहा है या लिया जा रहा है? तो ये जब तक 8 नवंबर से और 30 दिसंबर तक जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज फंड जमा कराती हैं उसकी स्क्रूटिनी नहीं होगी तो कुछ सामने नहीं आएगा। उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए। जैदी साहब, आपको लगता है कि जिस हिसाब से बातचीत हो रही है तैयार तो सभी हैं लेकिन स्क्रूटनी हो पाएगी? नहीं हो सकती जब तक कि कानून नहीं बदला जाएगा। देखिए, इनकम टैक्स का प्रोविजन बहुत साफ है, 20,000 के नीचे के चंदे के नाम बताने की कोई आवश्यकता नहीं, अभी नहीं है, लेकिन क्या आगे सरकार अमेंडमेंट करेगी? अमेंडमेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बजट सेशन में क्या अमेंडमेंट हो पाएगा? हमने PIL फाइल किया कि इनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, चाहे भले ही वो 20 रुपए क्यों ना ये लेते हो, टोटल अमाउंट के ऊपर टैक्स। एक उधर से लेते हैं जैदी साहब, आपको लगता है? देखिए, हमें जब कोई चीज देता है तो हम उसके बदले में कुछ ना कुछ उसे देते हैं। हम यहाँ पे अब भी स्पष्ट नहीं है, चुनाव सुधार की जरूरत है। हमें एक उद्योगपति चंदा देने आए, 1,78,00,000 रुपए का चेक लेके अजय भवन पहुंचे थे, हमने वापस कर दिया, हमें आपका चंदा नहीं चाहिए।
अगर कोई उद्योगपति चंदा देना चाहता है तो वो इलेक्शन कमीशन को चंदा दे, इलेक्शन कमीशन सुधार करे, कहना चाहिए चुनाव में वो जाए, वो खर्च वहां करे। पॉलिटिकल पार्टी को उद्योगपतियों से चंदा लेना बंद होना चाहिए, ये हमारी बिल्कुल स्पष्ट नहीं। और ये 20,000 वाला क्लॉज आपको लगता है? 20,000 वाले क्लॉज को भी हम कह रहे हैं, 1 रुपए का चंदा भी है जो अपने मेंबर से ले रहा है उसका हिसाब देना चाहिए, 1 रुपए का हिसाब भी देना चाहिए, हम कह रहे हैं पहले से देते चले आ रहे हैं। और उद्योगपति से जो चंदा लिया जाता है, जब उनसे कुछ हम लेंगे तो उसके बदले में हम कुछ ना कुछ देंगे। तो ये नीति, हम इस नीति के मुखालिफ हैं। हमने हमारे यहाँ 1,78,00,000 का चंदा लेके, मैं आपको बताऊं चरण सिंह सबरा साहब, हमने उसे वापस किया है। हो सकता है कल या परसों ये उद्योगपति चंदा देते हैं, इलेक्शन कमीशन को चंदा दे, इलेक्शन कमीशन उसका इंतजाम करे। एमके वेणु, मैं आपके पास भी आऊंगा, पार्टियां नहीं सहमत होंगी, कोई पार्टी सहमत नहीं होगी। एमके वेणु, मैं जो सबरा साहब को बता रहा हूँ, मैं इससे जुड़ा सवाल आपसे पूछूंगा। सबरा साहब, मैं आपको बताऊं, हो सकता है कल और हम आप इस मुद्दे पर बात भी करें। हमारे सोर्सेस कहते हैं कि एक पार्टी ऐसी है जिसने 99.9% अपना चंदा 20,000 के नीचे लिया है। 6 या 7 पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने 50-50 20,000 के नीचे 20,000 के ऊपर लिया है। अभी हम बताएंगे उस चीज को, जी बिजनेस ब्रेक करेगा वो स्टोरी। लेकिन आपको लगता है चरण सिंह सपरा साहब, अगर ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां देश में हैं तो फिर क्या जवाबदेही बनती है उन पॉलिटिकल पार्टीज की, और क्या जवाबदेही उन नेताओं की जो इस तरह से चंदा ले रहे हैं, इस तरह से फंडिंग हासिल कर रहे हैं? क्योंकि अगर डेमोक्रेसी है तो आप जवाबदेह तो हैं जनता के प्रति। देखिए, मैं इसको इस तरह से देखना चाहूंगा कि एक कानून का प्रावधान जो आज है, कल वो कानून बदली हो जाता है तो उसका एक सिस्टम चेंज हो जाता है, उस प्रावधान में हम आ जाएंगे। जो आज कानून का प्रावधान है उसके तहत अगर पॉलिटिकल पार्टियों ने कोई गलती की है तो निश्चित रूप से वो दोषी है, और अगर कल नियम बदलते हैं तो हमको उस नियम से चलना पड़ेगा, उस नियम से नहीं चलेंगे तो भी हम दोषी है। तो इसमें इशू बहुत क्लियर है। मेरा सवाल ये, मेरा बहुत सिंपल सवाल है चरण सिंह सबरा साहब, मेरा बहुत सिंपल सवाल है, हमें क्या पता, आम आदमी को क्या पता 20,000 के नीचे दाऊद दे रहा है चंदा किसी पार्टी को, कि कोई क्रिमिनल दे रहा है, कि कोई तिहाड़ से बैठा पैसा दे रहा है, किसको क्या पता? 20,000 के नीचे 50 आदमी बैठकर 20,000 के नीचे कौन किसको, हमें क्या पता? तो आम, और मैं ये मानता हूं कि कोई भी इस देश की पॉलिटिकल पार्टी कम से कम ऐसे लोगों से चंदा नहीं ले रही होगी या ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं कर रही होगी, लेकिन अगर कोई आरोप भी लगा दे तो आप कैसे उसको क्लियर करेंगे? नहीं, यही इसके लिए जो है पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई की एम्बिट में आना पड़ेगा, पारदर्शिता की बात हो रही है उसके तहत आना पड़ेगा। नहीं तो हमारे ऊपर भी लालचन लग सकते हैं, दोष लग सकते हैं हमारे ऊपर भी। एमके वेणु, आपको लगता है आएंगी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे एम्बिट में? देखिए, अब अगर इस वक्त नहीं आए, जबकि डिमोनेटाइजेशन के चलते हुए इतने सारे लोग त्रस्त हैं, गरीब लोग, उनके जो 2-2 लाख रुपए पे सवाल उठाया जा रहा था, अगर इस वक्त नहीं आए तो पूरा लोगों का विश्वास उठ जाएगा इस पूरे पार्टी सिस्टम से, और इस वक्त आना जरूरी है। और मेरा मानना कि जो 20,000 से नीचे पॉलिटिकल पार्टी जब ला रही है 1,000 रुपए और 500 का नोट बैंकों में डाल रही है, कम से कम इस पे तो डिक्लेयर करें सरकार कौन सी पार्टी ने कितना 1,000 और 500 रुपए डाला है। और इस पे अगर आप आम आदमी से अगर 50% टैक्स ले रहे हैं कि आप अनडिस्क्लोज इनकम पे, तो इन पार्टीज के जो कैश है इससे भी 50% लीजिए। तो नहीं, ये दोहरे मापदंड जो चल रहे हैं, इसको इस वक्त क्रेडिबिलिटी का इश्यू है। मेरा मानना है अगर मोदी जी अगर क्रेडिबिलिटी को बरकरार रखना चाहते हैं तो ये करना पड़ेगा, अगर ये नहीं किया तो ये डिमोनेटाइजेशन बिल्कुल फेल हो जाएगा। डिमोनेटाइजेशन फेल होगा, सही होगा, ये तो 30 तारीख के बाद तय करेंगे, हम बात करेंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की क्रेडिबिलिटी सवालों के घेरे में है। लेकिन शराब माफिया जब पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देती है तो क्या वो दाऊद इब्राहिम से कम होती है क्या? जब हर फैक्टर में करने वाले काम ये शराब माफिया हो, किस कैटेगरी में सर? बात उसे भी दाऊद इब्राहिम की कैटेगरी में लाता कोई भी हो, तो उन पॉलिटिकल पार्टी को भारत का कानून तोड़ा है वो क्रिमिनल है, लेती है सीधी सी बात है कि दायरे मान नहीं, जिसने कानून तोड़ा वो क्रिमिनल है, बी दाऊद बी एनीवन एनी अदर क्रिमिनल, इससे मतलब नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम को क्रेडिबल बनाने के लिए, और पॉलिटिकल जूही सिंह आप ही बताइए क्या लगता है आपको, क्रेडिबिलिटी पे सवाल है? और क्रेडिबिलिटी पे सवाल है तो आज राजनीतिक पार्टियों को ये सामने आके कहना चाहिए कि नहीं, हम साफ है, हमारा हिसाब ये रहा सामने। नहीं, हिसाब ही नहीं बल्कि उनको टैक्स देना चाहिए। अगर एक मेहनत का इंसान टैक्स देता है, मेहनत से कमाने वाला आदमी टैक्स देता है, तो ये हराम का जो पैसा इनको डोनेशन में मिलता है ये टैक्स क्यों नहीं देती?
ये कोई भी सर्विस आम पब्लिक को नहीं देती, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं सीट लेने के लिए, पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं कंट्रोल करने के लिए, करोड़ों रुपए का इनको सैलरी और दूसरी सुविधाएं मिलती हैं, उसके लिए ये खुद लड़ते हैं, पब्लिक इनको लेके नहीं आती, ये पब्लिक के पास आते हैं कहते हैं हमें वोट दो, अगर यहाँ पे पब्लिक इनको लेके आए लेके आप आइए हम आपको खड़ा करेंगे, तब बात दूसरी, यहाँ उल्टा होता है, हाथ पकड़ के कोई वोट नहीं लगवाता शर्मा सर, नहीं हर कोई बोलता है इलेक्शन में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप लोग बने हुए कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी ने आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो जिसको कि आप एनजीओ की परिधि, ये शब्द भी अच्छा नहीं था, ये शब्द भी थोड़ा सा हम सही, अच्छा आप बहुत कड़वे शब्द सुन चुके हैं ना शुक्ला जी से, तो उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द कहे इसलिए हमारे साथ में निकल गया है, बहुत करीब ले गए हो और ये नहीं करना चाह रहे हो कि हमें मत रखिए, नहीं हम मैक्सिमम की बात, आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा कि लेफ्ट फ्रंट को छोड़ के और पार्टियां आरटीआई के आरटीआई का विरोध करती है, लेफ्ट फ्रंट को छोड़ और पार्टियां इलेक्शन कमीशन को लेफ्ट फ्रंट को छोड़ और पार्टियां इनकम टैक्स में हिसाब ले देती है सर, मेरा आप एक एक उसे छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना क्यों पड़ेगा सर, जांच हो तो हम कह रहे हैं हम जांच करने को तैयार है, ठीक है तो आप तैयार रहिए, विरोध हमारा आप तैयार रहिए, आप सही हैं तो सही पाए जाएंगे, आप गलत हैं तो गलत रहेंगे, प्रेम शुक्ला आपको ये भी बताना पड़ेगा कि लेफ्ट फ्रंट 1978 से इनकम टैक्स को अपना हिसाब देता चला रहा है, बहुत अच्छी बात, अगर ये दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं किसी पार्टी स्पेशल के ऊपर ना एलिगेशन लगा रहा हूँ, लेफ्ट फ्रंट को मैं किसी पार्टी को मैं प्रशंसा कर रहा हूँ, मेरी बहुत सिंपल सी मेरी रिक्वेस्ट है वो ये है कि इस देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए जरूरी है कि कोई भी पार्टी चाहे वो इलेक्शन लड़े या न लड़े उसको टैक्स देना चाहिए यदि वो कोई भी पैसा किसी से लेती है। चलिए अब थोड़ा आगे की बात करते हैं, प्रेम शुक्ला की आने वाले वक्त में आपकी तरफ से हम कोई ऐसी मीटिंग देखेंगे, क्योंकि मैंने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक जगह सुना था कि आप एक कॉमन मीटिंग बुला लीजिए और हम उसी दिन ऐलान कर देंगे अगर सारी पार्टियां तैयार हैं, तो क्या सरकार, उन्होंने किसी पत्रकार से कहा था ऐसा, तो क्या हम माने कि बीजेपी या सरकार आने वाले दिनों में एक पहल करेगी और सारी पार्टियों को साथ बुलाकर बैठाकर इस मुद्दे पर एक सार्थक चर्चा होगी और आप कोई एक अच्छा रास्ता निकालेंगे ताकि लोगों को लगे कि हाँ राजनीतिक पार्टियों की जवाबदेही हमारे प्रति है। प्रेम शुक्ला, निश्चित तौर पर पाई पाई का हिसाब हर राजनीतिक दल को देना चाहिए, इस तरह का कानून भारतीय जनता पार्टी जरूर प्रस्तावित करेगी और ये सरकार इसी कार्यकाल में इस तरह का कानून लाए जाने का प्रयास होगा। अनिल वर्मा साहब, आपको उम्मीद है ऐसा होगा, ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा, टैक्स के बारे में नहीं बता रहे सर, पूछिए टैक्स लगाएं, अच्छा इनकम टैक्स के बारे में क्या रहा ये भी बता दीजिए, मैं आ रहा हूँ सर, एक मिनट, मैं अनिल वर्मा साहब आ रहा हूँ। देखिए इनकम टैक्स एक्ट में जिस तरह से एनजीओ को छूट, उस तरह से राजनीतिक दलों को भी होना चाहिए, मनोहर लाल शर्मा जी ने सबसे बड़ा सर्टिफिकेट जूही सिंह को दिया, मुलायम सिंह यादव जो बेहिसाबी संपत्ति के अभियुक्त है उनके प्रति मुदित क्यों है, कहीं गाजियाबाद में मकान वकान तो नहीं ले लिया जा रहा है, पर्सनल कमेंट नहीं, एलिगेशन लगाने से पहले अपने पास सबूत अवश्य रखिएगा, आप कहां थे पता नहीं था किसी को, प्रेम शुक्ला प्रेम शुक्ला समय खत्म हो चुका है, बैठेंगे आपको कितनी उम्मीद है फाइनल कमेंट, हिसाब मिलेगा, टैक्स दिया जाएगा पार्टी की तरफ से, मैं अगर आपको जो हाँ मैं आपको बताता हूँ, जो आरटीआई का जो केस है उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज ने जवाब दिए हैं, एफसीआरए का जो केस है उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिए हैं, और कितने भी वो हैं उसमें अगर आप इनके जवाब पढ़ेंगे तो कभी भी कंसेंसस इनमें नहीं होगा, हमें इस बारे में बहुत कम उम्मीद है, बहुत कम उम्मीद है। चलिए बहुत शुक्रिया सर आप सभी लोगों का, तो जो एक्सपर्ट्स हैं जो इस बारे में सालों से कम काम कर रहे हैं उनको उनका अनुभव कहता है कि उम्मीद कम है, लेकिन जिस तरह से देश में बहस छिड़ी है और हर मंच पर कहा जा रहा है और हर सियासी पार्टी कैमरे के आगे कह रही है कि हाँ हम तैयार हैं, तो उम्मीद कम ही सही लेकिन है, और अब उम्मीद ये करते हैं कि सियासी पार्टियां कम से कम देश की जनता को
ये जरूर बताएं कि वो जो पैसा इस्तेमाल करती हैं वो अच्छा पैसा है, सही पैसा है, और कोई गलत काम करके या कोई गलत तरीके से पैसा उनके पास नहीं आ रहा। मतलब हिसाब दे, टैक्स अगर उन पर सरकार साथ तैयार है तो टैक्स देते हैं तो और भी अच्छी चीज़ है। फिलहाल बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए इसी बिजनेस। नमस्कार।